तस्वीर है मुंबई की। यहाँ के एनजीबी बैंक्वेट हॉल में अर्बन नक्सल नाम की एक किताब को लॉन्च किया गया। ये किताब लेखक विवेक अग्निहोत्री ने लिखी है। इस मौके पर खास तौर से पहुंचे अभिनेता अनुपम खेर, जिन्होंने इस किताब को लॉन्च किया, जिसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए अनुपम खेर ने किताब की अहमियत और अपने अनुभव को भी साझा किया। जब आप सच बोलते हैं ना, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। यू सी व्हाई दिस बुक इज इम्पोर्टेंट टुडे, नॉट बिकॉज इट्स एंड आई रिप्रेजेंट हिंदी सिनेमा बॉलीवुड, सो टू से दैट बॉलीवुड में ऐसा बात नहीं, मैं भी बॉलीवुड की बात करता हूँ, ये भी बॉलीवुड फिल्में बनाते हैं, सो वी आर नॉट डिफरेंट। सो देर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावर इन बॉलीवुड, द हिंदी सिनेमा इज हैज़ अ ग्रेट पावर एंड वी आर एन आई एम ए कम्प्लीट हिंदी फिल्म एक्टर, सो आई डोंट एग्री विद दिस दैट बॉलीवुड डज नॉट डू थिंग्स। आई एम ए पार्ट ऑफ पीपल दैट इफ दे लिसन टू मी इफ आई टॉक अबाउट इट दैट बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ इट, सो आई एम वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ इट। वाई इज दिस बुक इम्पॉर्टेंट, बट अगेन देर इज अ सिनारियो गोइंग ऑन वेर इट इज यू आर मेड टू गेट कन्फ्यूज। आपको लोग आजकल के ज़माने में आपके किचन में घुस आए हैं, आपको क्या खाना चाहिए, आपको क्या नहीं खाना चाहिए। व्हेन आई स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट 2 years back अबाउट इंडिया एंड अबाउट, आज सेना के बारे में बात करो, लोग कहते हैं ऐसा क्या होता है सेना के बारे में, क्या वो अपना काम कर रहे हैं। मतलब कैन यू इमेजिन, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। वही किताब के लेखक विवेक अग्निहोत्री ने भी बताया कि आखिर कहां से उन्हें किताब लिखने की प्रेरणा मिली। बिकॉज समवेयर आई बिलीव दिस इज नॉट जस्ट अ बुक, इट्स नॉट माय स्टोरी, समवेयर इट्स अ स्टोरी ऑफ एवरी इंडियन, स्पेशली ऑल दोस मिडिल क्लास स्मॉल टाउन इंडियंस। सम पीपल हु आर हियर फ्रॉम ब्रीच कैंडी मे फील बैड, बट आई एम गोना से फ्यू थिंग्स व्हिच आर नॉट गोना बी वेरी कंफर्टेबल। सो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू संदीप, थैंक यू जग्गी। Jaggi is a rock star of journalism and he's अपनी किताब के लॉन्चिंग पर विवेक अग्निहोत्री ने नक्सल और अर्बन नक्सल के बीच के फर्क को भी समझाया। बहरहाल ये किताब amazon.com पर राजनीतिक विचारधारा के अंदर आने वाली फर्स्ट बेस्ट सेलर बुक कही जा रही है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, मुंबई।